तीन में से कोई एक जिंदा रहेगा। ये गांधी जी के तीन बंदरों की तरह 8 से 10 फूल निकलते थे इसमें, जो नहीं देते उनमें से अब जो है इनकी उम्र खत्म हो गई है। ये चेहरा खिला हुआ दिख रहा होगा, कांटे बोए थे फूल निकल आए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संजीव पाल व्लॉग्स में। बहुत दिनों बाद दोस्तों ऐसा है कि अपन है सुनील भैया के साथ। एक बार अपन सुनील भैया के साथ मिले थे धान के खेत में, और ये भी हालांकि धान का ही खेत है लेकिन ये एक साल बाद है क्योंकि वहाँ पे जो धान काफ़ी बड़ी हो गई थी। ये धान अभी शुरुआत है, इस साल बोई है कौन सा 2023 में, और ये वही है टपरिया जिसको आपने पहले देखा होगा वीडियोज़ में। दोस्तों ये खेत है, ये धान लगी हुई दोस्तों, और वो आप लोगों को जो दिख रहा है यहाँ से वो गेंदे का फूल है दोस्तों। गेंदे का फूल सुनील भैया ने लगाया था कब, गर्मियों में है ना सुनील भैया, गर्मियों में लगाया था सुनील भैया ने गेंदे का फूल। उसको जो है अपन अब फूल तोड़ने चल रहे हैं। सुनील भैया टाइम देख रहे हैं कितने बजे से तोड़ना शुरू करना है। और दोस्तों आप लोग सामने दिख रहा होगा आम का पेड़, छोटा सा था ये भी, छोटा सा था ये भी, छोटा सा था, ये तीनों पेड़ आप लोगों को दिख रहे हैं। तो जो है दोस्तों पता नहीं इसने पास पास में कुछ ज़्यादा पास में लगे हैं दोस्तों, क्या सुन ली कुछ ज़्यादा पास में नहीं लगे क्या? पहले ऐसा लग रहा था दोस्तों कि ये इन तीन में से कोई एक जिंदा रहेगा, लेकिन अब ऐसा है कि ये गांधी जी के तीन बंदरों की तरह तीनों की तीनों बढ़ रहे हैं, खूब तरक्की कर रहे हैं। अब ये क्या है ना, सुनील भैया जो है सुनील भैया ने शादी कर ली है, अब इनके बच्चे होंगे वो खाएंगे इन आम के फलों को। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देखिए दोस्तों अपन जो है फूल तोड़ने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उनको भट्टे का पौधा दिखा, तो देखिए इसमें दोस्तों भट्टे भी लगे हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा ये भट्टा लगा हुआ है दोस्तों। एक ही है बड़ा वाला, एक ही छोटा है ठीक है, और एक ही उससे भी ज़्यादा छोटा है दोस्तों। मक्खियाँ बहुत हैं। हाँ हाँ अच्छा दोस्तों देखिए सुनील भैया के मन में जो है कितनी ज़्यादा प्रसन्नता दिख रही है इनके चेहरे पे। इनकी मेहनत जो है बारिश के मौसम में नहीं गर्मी के मौसम में इन्होंने मेहनत की थी, और देखिए मेहनत रंग लाई है। अब आप लोग करीब से दिख रहा होगा, अब बोलिए सुनील भैया। मतलब एक पौधे में लगभग 25 से 30 फूल अवेलेबल हैं, और जब मैंने पहले समय तोड़ाई की थी फर्स्ट टाइम पे मैंने इसका हार्वेस्टिंग की थी तो इसकी मात्र 8 से 10 फूल निकलते थे इसमें। आज की कंडीशन में जो देखिए आपको एक पौधे में 25 से 30 फूल ज़्यादा ही निकले देखने को मिलेंगे। पैसा ही पैसा होगा। और काफ़ी ये 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है जिसमें मैंने कुल 500 पौधे लगाए थे, जिसमें से 400 पौधे अभी भी जो है ना हार्वेस्टिंग करने लायक हैं, और कुछ पौधे कम उपज देते हैं कुछ पौधे ज़्यादा देते हैं, तो एक समान अनुपात आ जाता है इनका। और अब हम इनकी तोड़ाई करना स्टार्ट करते हैं, फिक्स शायद 9 बजे के समथिंग हम इनकी हार्वेस्टिंग चालू कर देंगे ताकि फिक्स 10 बजे तक हम इनको तोड़ सकें। ठीक दोस्तों, जो है सुनील भैया ने अभी कहा था कि कुछ पौधे जो है फल फूल ज़्यादा देते हैं और कुछ पौधे जो है कम देते हैं, कुछ देते ही नहीं, जो नहीं देते उनमें से कुछ पौधे ये हैं। हालांकि दिए होंगे इन्होंने, तोड़ लिए होंगे, लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं दी इस पौधे ने जितने की आप लोगों को ये दिख रहे हैं सामने। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? हाँ चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ देर बाद या फिर अगले व्लॉग में यदि कुछ और रहेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना, अच्छा टाइप का तो हम दिखाएंगे। दोस्तों ये भिंडी देखिए, ये भिंडियां लगी हुई थी दोस्तों, अब जो है इनकी उम्र खत्म हो गई है। ये जो है अभी भी है भिंडियां, इसमें आप लोग मैं दिखा देता हूँ पास से जाके, ये देखिए ये भिंडियां अभी भी हैं दोस्तों, फूल अभी भी आ रहा है, क्षमता है इस पौधे में अभी भिंडियां देने की। लेकिन अपन जो है इसको सोच रहे हैं का बंद हो गया, अब ख़त्म करते हैं इन भिंडियों को, इसके लिए कुछ और लगाएंगे। और ये आप लोग दोस्तों दिख रही होगी सामने धान, दोस्तों ये धान बोई है अपन ने। देखिए दोस्तों आप लोग दिख रहा होगा सुनील भैया जो है फूल तोड़ रहे हैं, इसमें एक साउंड आ रहा है दोस्तों, जैसे अपन चुटकी बजाते हैं वैसे एक साउंड आ रहा है, अपन पास चल के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों ये फूल सुनील भैया ने लगभग आधा किलो फूल तोड़ लिए होंगे, ये फंस गया सी है ना सुनील भैया, 250 ग्राम फूल तोड़ लिए होंगे। दिख रहे हैं दोस्तों ऊपर पन्नी लगी हुई उस बाल्टी में, देखिए दोस्तों कितना मस्त नज़ारा दिख रहा है, कितने अच्छे फूल दिख रहे हैं। जिस तरह दोस्तों फूल खिल रहे हैं ना, इसी तरह सुनील भैया जी के चेहरे पर आपको चेहरा खिला हुआ दिख रहा होगा क्योंकि मेहनत रंग लाई है दोस्तों।
और वो भी ऑरेंज कलर का रंग है, पता है आपको भगवा रंग है दोस्तों। देखिए दोस्तों ऐसा है कि अब फूल टूट चुके हैं और हम लोग कर रहे हैं घर की ओर प्रस्थान, ठीक है। ये भिंडियों का था, ये धान है और ये सुनील भैया जा रहे हैं बोरी लेके, बोरी में फूल लेके जा रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। ये फूल है, सुनील भैया जो है बोरी लेके जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों क्या फूल हैं, एक नंबर लग रहे हैं दोस्तों फूल। ये सुनील भैया की मेहनत, हम दोनों ने मिलके तोड़े हैं, इन्होंने मेहनत बोए इनने कांटे बोए थे फूल निकल आए, क्या किस्मत है दोस्तों। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय दोस्तों। इसी के साथ जो अपन इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। बीच में बोल दिया था मैंने, लेकिन मैंने सोचा कि फूल टूट चुके हैं तो इसको और थोड़ा सा अपन अपलोड कर देते हैं और डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसी साथ इस व्लॉग को अपन खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ पूरा देख कर जाइएगा। टाटा।